दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हो रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरा ओडीआई मैच, यानी कि सीरीज का फाइनल ओडीआई मैच। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच की बात करेंगे, आपको बताएंगे वेदर रिपोर्ट के बारे में, कितने बजे से ये मैच जो है लाइव चालू होगा, कहां पर देखने को मिलेगा और टीम में क्या क्या चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है आज कौन सी टीम जो है ये फाइनल ओडीआई मैच जीतेगी? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। यहां पर दोस्तों बात करें अगर सीरीज की, तो 1-0 से सीरीज में टीम इंडिया आगे है, जहां पर पहला मैच रद्द हुआ था और दूसरा मैच टीम इंडिया ने बड़े ही अच्छे मार्जिन से जो है वो जीता था। अब टीम इंडिया यहां पर इस सीरीज को हार नहीं सकती। अगर वेस्ट इंडीज की टीम आज ये मैच जीत जाती है तो ये सीरीज जो है लेवल पर खत्म होगी, लेकिन अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो टीम इंडिया यहां पर एक और क्लीन स्वीप करेगी और T20 सीरीज के बाद ODI सीरीज भी जो है टीम इंडिया के कब्जे में हो जाएगी। यहां पर बात करें अगर मैच के टाइमिंग की, तो शाम 7 बजे से जो है ये मैच शुरू हो जाएगा, जहां पर दोस्तों सोनी के नेटवर्क पर हम यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं मैच का। वहीं अगर आपको मोबाइल पे देखना है तो आप सोनी लिव ऐप पर जो है इस मैच को लाइव देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 7 बजे से तो टाइमिंग है मैच की, लेकिन जो मेन मायने रखता है वो होता है वेदर रिपोर्ट का। वेदर रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये मैच जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाना है, जहां पर दूसरा ODI मैच हमें देखने को मिला था, वहां पर भी बारिश ने खलल डाली थी, मैच जो है DLS मेथड से रिजल्ट आया था और यहां पर भी एक और बार हमें बारिश जो है खलल डालते हुए दिख सकती है और मैच जो है हमें बीच बीच में रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि दोस्तों उतनी हैवी बारिश का जो है वो प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर ज्यादा बारिश आती है तो हमने देखा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है यहां पर काफी ज्यादा बेकार होता है वेस्ट इंडीज में, इसकी वजह से मैच जो है वो काफी डिले हमें देखने को मिलता है। आशा करते हैं कि कम से कम बारिश हो या फिर बारिश हो ही ना और मैच जो है हमें पूरा देखने को मिले। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर प्लेइंग 11 की और टीम चेंजेस की। तो वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो सेम प्लेइंग 11 के साथ वेस्ट इंडीज की टीम उतर सकती है। अगर एक चेंज की अगर बात करें तो यहां पर फैबियन एलन को मौका मिल सकता है ओशेन थॉमस की जगह पर। वहीं अगर बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया अब यहां पर सीरीज हार नहीं सकती, ऐसे में चेंजेस जो है टीम इंडिया कर सकती है और बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों को मौका दे सकती है, जहां पर युजविंदर चहल है, नवदीप सैनी है, KL राहुल है और मनीष पांडे है। इन 4 खिलाड़ियों पर निगाहें होंगी कि इनमें से किनको मौका मिलता है आज के मैच में और किनको नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी देखने वाली बात होगी। और यहां पर अब अगर एंड में बात करें विनिंग परसेंटेज की, तो यहां पर टीम इंडिया के ही जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि पूरे ही सीरीज में, पूरे ही दौरे में टीम इंडिया का दबदबा जो है वो रहा है। आपको क्या लग रहा है ये तीसरा और आखिरी ODI मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।